समय आ गया भाई पारस के तो आर के क्रू स्टूडियो में। जो पारस है भाई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे भी गणे गाने करे हैं, तो मैं आ रहा थोड़ा सा कुछ म्यूजिक सा तैयार करवाऊँ पारस भाई के दौरे अपना ब्लॉग खतरे। ठीक है पारस भाई, कर दे फिर बढ़िया सा तैयार। करते हैं और आपको आने वाले व्लॉग्स में सुनने को मिलेगा। हाँ और बताना आप कैसा लगा। बिल्कुल। काली काली गाड़ी ले रहा, जींद का नहीं के डिपर दे रहा, फ्रंट सीट वो स्लीपर ले रहा, कती चाला थारी माँ। क्या बात है, वाह बहुत यार, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई, देख मेरा टोरा। राम राम जी, स्वागत आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और सुबह की क्या बज गई, 7:30 बज गए, मैं नहा ली, अब जोत लगा दी, क्योंकि आज है अमावस्या। मोर अरे मावा बनाने बैठ रही हूँ, हमने तो देखा आज है मम्मी, आज फिर मोर नहाने जा रही है, कहीं सारी लेट जाऊँ तो आज चली गई। अच्छी बात है जाना कि अब ही तुम बोरस नहीं कि ना ही तो शायद ना मैं बोरस बैठे हो कि तुम बैठ रहे और देखा तो है राम राम सारा ने। और भाई सुबह के 8:30 हो गए, मैं उठ लिया था, फिलहाल एक बार मैं नहा लूं। और ये चिड़िया देखो सुबह सुबह मेरा नहीं पढ़न लाग रही है, खेलन लाग रही, क्या कर रहे हैं पोरस की मम्मी, पोरस ने कौन कौन लग रही है कुछ भाई। और एक बार मैं नहा लूँ फिलहाल। हाँ जी, तो नहा लिया मैं, और आज सोमवार का दिन है भाई, तो भोले बाबा पर जल चढ़ाया वहाँ। ये हुआ है अपने भोले बाबा का मंदिर, तो जल चढ़ाया वहाँ। लो जी हलवा हलवा बना के भावना के दे के आया, मैंने तीनों बच्चे ने आ दिया, नहीं तेन तो गए मोन्टी हर क्या, और यो छोटू राम खेलन लग रहा है, मैं बोली ना सो रोटी खा के सो जी, तो मैं रोटी बना दूं, रोटी खाओ गई अपने पापा के, फिर इसने सोया दी। तो जी मंदिर में जाया मैं, और इब पोरस मेरे पास है, और इब हम पापा बेटा रोटियां की बाट देखा, रोटी बनेंगे फिर हम रोटी खाएंगे, है नहीं पोरस। लो जी अपना खाना रेडी है, तो एक बार खाना खा लें भाई। बच्चे ने मिस्टर राणा ने तो खा लिया खाना, मैंने बीच में छोड़ दिया था, पहले मैंने पोरस सोया दिया वो रॉन्ग से लग गया था, ये मैं मेरी बना लूं, फिर मम्मी आऊंगी, जब मम्मी खाऊंगी फिर मुझे बना दे। तो जी खाना खुना खा लिया था। अरे भाई मैडम का लगा होती ना साग सब्जी सारा सौदा खत्म हो रहा है, तो एक बार मैं हाँसी शहर में जाया हूँ और सामान ले आऊँ। जाया हूँ जी हाँसी, के कुछ लेना है फिर, साग सब्जी या कुछ और भी लेना है घर का सामान? एक तो लाइटिंग वाली लाइट फ्यूज हो रही है, लाइट फ्यूज हो रही है, लाइट ले आऊँ, बर्तन बार लेना है और हल्दी लेना है। ठीक है, और कुछ याद आओ तो व्हाट्सएप कर दिए। ठीक तो जी निकल लिया हूँ मांसी के लिए, और भाई गाड़ी के पास आते ही नरे पसीने आ गए मेरे, क्यों आ गए, गाड़ी जमा धूलम धूल हो रही थी, तो पहले उसके कपड़ा मारा, बाहर खड़ी रहो है ना, पहले इसका कपड़ा कपड़ा मारा भाई, आंधी उंधी बारिश पूरी छलकी फुलकी आई थी ना, तो नरी धूल मिट्टी लाग रही थी, तो गाड़ी का कपड़ा मार गए, तो मैं वांसी के लिए निकल लिया हूँ भाई, हाँसी से अपने घर का सामान ले आऊँ। ठीक है, तो जी हाँसी पहुँच गया मैं, तो पहुँचने के बाद भाई सामान सामान लेना है, तो थोड़ा सा कैश भी चाहिए, तो ये शामी ATM है, इसमें देख लें भाई थोड़े बहुत पैसे निकलेंगे, तो थोड़ा सामान सामान ले गए ना, और फिर चलना घर, गर्मी बहुत हो रही। मैंने मेरा काम घूम कर दिया था जी, और 11 बजे से बन गया था, फिर काम करते उस देर तुमने रेस्ट कराया, फिर मम्मी आ गई थी, मैंने रोटी राटी खाई, फिर मैंने प्रेस करी, ई मैं सोच रही हूँ बच्चों का काम करवा दूँ, स्कूल का थोड़ा करवा के फिर इन्हें सोया दूँ, मिस्टर आना तो हंसी जा रहे हैं बेरानी कुटबा आऊँगे, और फिर मैं भी लौट जाऊँगी, इनका काम कुम करवाया था, जब मैं बेरानी 2 दिन हुई सर सिर दुख खाई हो तो सुखता नींद आ रही है। पहुंच गया, ले ला सब्जी, सब्जी पहले तो टमाटर दे भाई 1 किलो, टमाटर खत्म हो रहे हमारे, सब्जी तो सारी खत्म हो रही है, दे दे ले भर दिया थैला सब्जी का इसने, तीसरा चौथा दिन भर दे इतनी सब्जी मर रहा पड़ता, चल ही करा जी सब्जी अपन ले ली, बाकी थोड़ा बहुत सामान और मंगवा था, वो अभी मार्केट में चलते, क्योंकि सब्जी मंडी हाँसी शहर की शहर से बाहर बना दी है, तो अभी मैं शहर में जाने लग रहा हूँ भाई। तो जी बाजार
के काम करके ना मैं आ गया भाई पारस के द्वारा आर के क्रू स्टूडियो में। जो पारस है भाई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे भी गणे गाने करे हैं, तो मैं आ रहा थोड़ा सा कुछ म्यूजिक सा तैयार करवाऊँ पारस भाई के द्वारा अपना ब्लॉग खतरे। ठीक है पारस भाई, करते फिर बढ़िया सा तैयार करते हैं, आपको आने वाले व्लॉग्स में सुनने को मिलेगा। हाँ बताना आप कैसा लगा। बिल्कुल आने वाले व्लॉग्स में यही म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो वह पारस ने अपना म्यूजिक तैयार कर दिया, जो हमें अगला ब्लॉग में मतलब इस ब्लॉग तक शुरुआत कर देंगे जो बैकग्राउंड में लग गया करेगा। एक बार प्ले करना पारस, सुनाते हैं आपको हरियाणवी ब्लॉग बनावा तो हरियाणवी टच का ही म्यूजिक तैयार करवा। इस टाइप का कुछ आराम आराम से स्टूडियो में आ रहे थे तो अपन मिल गए अमित ढोल भाई साहब, हरियाणा के बहुत ही अच्छे कोयल जैसी बोली जिसने कहा कर वे सिंगर हैं, और बहुत गाने भाई के बहुत गाने पर मैंने रील भी बनाई है। अभी पीछे एक स्कूटर गाना आया था उस पर तो रील मेरी वायरल भी बहुत हुई। हाँ। और भाई आवाज का भी है भगवान की कृपा आप लोगों का। तो भाई साहब बस दर्शक ने दो प्यारी प्यारी मीठी सी लाइन सुना दो, कुछ भी जो आपकी फेवरेट हो। काली काली गाड़ी ले रहा जींद कानी केडी पर दे रहा, फ्रंट सीट वो स्लीपर ले रहा कती चाला थारी मां। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। और अमित भाई भी आजकल भाई ब्लॉग ब्लॉग डाल रहे हैं तो बात करी मंदीप और देख देख के हमने करी तो सारे जने देखा करो। अमित अमित भाई के ब्लॉग डेली आवे हैं तो आप उस चैनल पर भी जाओ और भाई ने भी सपोर्ट करो। और हमारा चैनल पर क्या कहना चाहोगे भाई साहब? और मंदीप राणा ब्लॉग चैनल को भी सारे सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं अमित भाई से पहली बार मिला हूँ भाई, वैसे बात वो तो अंधी रहा करें, बाकी मुलाकात पहली बार हुई है। इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, इतने दिन से अमित भाई कर रहे हैं तो मुलाकात आज स्टूडियो में पहली बार हुई है, तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिल के। ठीक है भाई साहब, स्टूडियो में तमा लिया और बाजार में मैं गया नहीं था, रास्ता ही में था स्टूडियो फौजी साहब का, आर के क्रू स्टूडियो में गया था। पारस बहुत अच्छा म्यूजिक तैयार करे भाई, मेरा जो हुक्के वाली बैठक इंस्टाग्राम पर आप देखो वायरल हो रहा है ना, तो पारस ने म्यूजिक कराया था उसका भाई, और इंस्टा की रील भी पारस ने कराया था। एक गाना और आओगा काली जुबान रुचिका जांगीर ने गाया है, उसका म्यूजिक भी पारस ने कराया है, तो बहुत प्यारा म्यूजिक पारस तैयार करा है भाई। अपने सुभाष फौजी जो सिंगर है हरियाणा के बहुत ही तकड़े सिंगर, बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था कई सालों पहले मैडम बैट बुलेरो में, तो फौजी साहब का लड़का है पारस भाई, और बहुत ही इस छोटी सी उम्र में मतलब इतना बढ़िया काम करने लग रहा है पारस, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इब मैं बाजार में जाऊं भाई और थोड़ा सा सामान और मैडम ने मंगवाया था वो ले आवा और फिर चला भाई घर। मार्केट से सामान वगैरह ले लिया, थोड़ा सा सामान मंगवाया था मीनू मैडम ने भाई और लेके मैं निकल लिया। अभी फिलहाल टाइम हो गया 1:15 हो गया मेरे ख्याल से, हाँ 1:15 हो गया, और अभी चलते हैं घर। ठीक है तो जी फिलहाल पहुंच गया घर और 1:10 हो रही है और कसूती गर्मी हो रही है भाई, आज जबरदस्त गर्मी हो रही है। अरे ये चिड़िया देख ले आंधे साथ खोलने लगी, पापा के लिए आके ले आ, बेटा कुछ नहीं लेके आया मैं, चीजी कुछ नहीं है इसमें, चीजी नहीं है, तेरी मम्मी के पास ले चलो। तू किस टाइम बेटा इसमें कुछ अलग सी चीज ले आऊं आज मैं तारा खातर, बचपन में ओए देखियो आगे नसर गया आने लग रहा मेरे कानी, ओए पुरसु यो गुड़ली चलना सीखे थोड़ा सा आगे आया चल के ना, गरम खायो ओए पुरसु। ओहो हाँ ये बेटा बचपन में खाते थे वे चीज ले गया हूँ आज मैं, ये सेल है और दुकान में धरी थी मैंने, जी कर गया वहां ले चलना बच्चे खा के देख ले। खाए थे जी बचपन में आपने ये? खाए थे हाँ, अभी खाना तुम्हारा बचपन यही है इसीलिए तो लेके आऊं, पुरुष भी आगे आ गया अगस्त ये देख लिफाफा के बुड़का भरा है बेटा, ये तो हल्दी हल्दी कुछ सामान है घर का, देख इसका लिफाफा का बुड़का भरने लग रहा है। ठीक है एक बार तो जी गर्मी इतनी जबरदस्त हो रही है, मैं नींबू ले आया हूँ और मैंने थोड़ी शिकंजी पिला दो बस, कसूती गर्मी लग, आज मैंने हाथ से भी कुछ नहीं खाया भैया, जल्दी से आया
इतनी खाने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी एक बार चेक कर लेंगे बच्चे। हम भी तो बचपन में खाते थे ये चीजें। बाकी मेरा तो सही बताओ जाए कि चुप चुप करे सिर्फ किस किस में खा रखी है बचपन में। मैं भी खा कर यो भी देख, यो खान खातर पूरा तैयार हो रहा है। कितने मोटे मोटे तरबूज लिया, दो तीन दिन चलेंगे, तीन चार दिन चल जाऊंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ले आया हूँ मैं। एक ने फ्रिज में धर दी, एक ने बाहर रख लिए। ठीक है, क्या हो रहा, क्या दुख है सर? गर्मी लागे मना जी, जितना भारी भारी सामान लेके आए इतने भारी बड़ा मकर गया है। तो जी शिकंजी शकंजी पी के ना मैं सो गया था, आज तो दोपहर न सुती नींद आई बेरानी, गर्मी हो रही थी, कूलर चालन लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग गई, फोन देखते देखते नींद आ गई मैंने। अरे उठा हुई फिलहाल शाम के 6 बज रहे हैं और भाई पोरस यहाँ है। भाई पोरस क्या कर रहा है भाई, पता नहीं भाई, अभी उठा ही अभी। पोरसू हाँ जी, मैं उठ ली थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैंने बर्तन बुर्तन साफ करे, रोटी खाई थी, रायता के तड़की का बच रहा था, और अवनी भी उठ ली थी मेरे के, उसने खा ली थी। फिर मैंने बर्तन साफ करे, दूध गर्म करा, पालक काट के मैंने कुकर में धर दी थी, मखा बच्चे उठेंगे तन्नू और पोरस, फिर इसने उबाली, फिर ये उठे नहीं। 6 बजे फिर मैंने गैस चला दी, सिटी से कही उठ लिया, और थोड़ी बार 2-4 मिनट हो गए इसने, इतने मैंने तन्नू नुहा दी, अपनी पहले नुहा दी थी, अरे उसने दूध पै के इन्हें नुहा दी, और फिर मैं सब्जी बनाई थी, मेरा काम बन जाएगा। लो जी, मैंने अवनी तो पहले नुहाई थी इनके उठने था पहले, फिर तन्नू नुहा दी थी। अरे यू इसकी गल भुंडी होने बेचारे गल, यूं नहाने खातर तैयार हुआ था, कपड़े कपड़े कह के एक नंगा पोता बांध ले, पोता बांध ले पोता, हाँ बीच में मिस्टर राणा 2 मिनट का काम है, एक रील बनूंगा तेरे, 2 मिनट का काम है, और 2 मिनट का काम में बेचारा नंगा नुए ओल्ड पर रह रहा है, जो कई बिचने में नुए ये तू ना, तू ना ले भाई लाडू, और आम जामा बार चल रहा है, छोटू घुमा के ले हम बार, आ भाई ओ ओ ओ ओ आ जा रही, चलेंगे चल। लो जी, 7:15 बज गए हैं, और मेरा काम कुम सारा बन गया था, फिर हम मेहर मम्मी बैठे थे, कोर्स में खिलाने लग रहे थे, मिस्टर आने के बाद देखा है जब आऊंग रोटी रोटी बनाऊंगी, किसी ने खड़िया कर लियो, इसने डाय दी, इसके मैं मारूंगी थप्पड़, दिखाइए मुंह। घना बदमाश हो गए, गुंजा अपने पापा ही बाट देखे, गेट के हम देखे, इसमें मंगवाऊंगे कुछ मंगवाऊंगे, है नहीं परसों, अच्छा खड़ा ले, मैं दिखाऊंगी, खड़ा ले फिलहाल 7:30 हो गए, रामा लिए हाल फिर के, और मैडम बनाने लग रही रोटी। भाई देख फोन पे अनु बात करा है, किसके गले बात करा है, मोनी गले तो बात करा है, और नू फोन की स्क्रीन एक बार नुए तोड़ी थी इसने, और देखो भाई यो इस तरीके से काम करते करते तो मतलब 2 मिनट टकाई तक बात हो जावा, फिर उसके बाद काम हो जाता है, आधा घंटा की इतने रोटी मिले को नहीं अंदर है। अच्छा देख लो, बात करते करते रोटी बनाने लग रही है, देख लो इसका तरीका, देख ले रहे परसों तेरी मम्मी के काम, इस फोन न तोड़े गया, फोन न तोड़ेगी तेरी मम्मी, देख ले नू करने लग रही है, मोनी बोले तो मोनी मेरी भांजी है ना, जो उसके गल बात करे भाई, जो बुढ़ी पीपे की छोरी है, बाकी अपना सलाद सलूद काट रखा है, पालक की सब्जी बनाई है, तो थोड़ी देर में रोटी खा रहा है, हाँ अनुको मैंने बात करने दो, तो इसने बात करने दिया भाई, ठीक है तो एक बार रोटी खा लिया भाई, और सर मैं रोटी खावांगे, मेरे साथ खाओगे ना रोटी, है ना, ओ हो अनुको आई तो कौन ही, देखियो अनुको आई तो कौन ही, ले आवे बेटा तेरी मम्मी परसू ले आवे है, हाँ हाँ देख रसोई में जाने की सोच रहा है, बेटा काका माउंटेन बुलावे है, काका काका करे है। अच्छा बुला ले, हेलो परसू, हेलो
देखियो हेलो फोन में जमानी वीडियो बनांदा हूं जब जमानी करे रूम करे जावे आवे है भाई आवनी आ गई भाई देखो गेट खोल दिया आ जाओ बेटा आ जाओ ये मोनी का फोन आ रहा मोनी के लिए बात कर लो पैंट टांग रहे हो फिर क्या होगा भाई ये कौन सा तरीका मोनी का फोन है बात कर लो बेटा तारा के लिए बात करनी इसका फटकना देख लो भाई हाँ ओ क्या बात है क्या बात है ओ क्या बात है क्या बात है योगा भी करती है तनु तो अभी अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो मैं परसों अपना खाना आ गया ये मम पापा बेटा खा जा मानी ना योगा करे योगा करने में तो के जा रही योगा ही करे तनु भी मेरे साथ रोटी खाओगी चल बेटा ऊपर उस साइड बैठ जा तो खा ला भाई एक बार अपनी रोटी वो परसों भी खाओगा भाई जी मैंने खाना खुना तो बनाया भी मिस्टर राणा मेरे बच्चे ने खा लिया आ रही मैं पोरस में ले लूँ मम्मी खा लेंगे मेरे भी पसीने सूख जाएंगे फिर मैं खा लूँगी तो जी खाना खुना खा के मैं वीडियो एडिट करने लग गया था और एडिट होगी अब एडिटिंग कंप्लीट होगी लगभग और अब मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा ताकि सभी 8 बजे तामने देखने मिल जाओ तो ताम वीडियो देख के कमेंट करके बताइयो कि भाई आज का व्लॉग किसा लगा और वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दिया करो शेयर कर दिया करो कमेंट जरूर करा करो ताकि सारे कमेंट देख के मारा भी हौसला सा बढ़े तो हम जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही हमने अच्छा फील करा है और भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग तारा खातर बनावांगे और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल ने कर लो सब्सक्राइब ओके राम राम सारे ने जय हरियाणा जय हरियाणवी कीप सपोर्टिंग हरियाणवी